आदेश जय श्री महाकाल। तांत्रिक तरंग गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा मरली मातंग के ऊपर रहेगा। जब तुम मरली मातंग एक वनस्पति है और एक वनस्पति ऐसी दुर्लभ वस्तु है कि वो जड़ी बूटी जो मोहिनी वशीकरण के लिए यूज किया जाता है। आप जुम जड़ी बूटी जब लाएंगे मरली मातंग और उसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद माया जाल डाल के और थोड़ा सा चिता राख चिता भस्म उसको चिता ही भस्म बोलते हैं तो उसके लिए आप डाल के वशीकरण कर सकते हैं किसके ऊपर भी। जिसको तुम खिलाएंगे वो वशीभूत हो जाएगा। जैसा किसकी प्रेमिका अगर किसकी शादी नहीं हो रही है, अगर शादी करते करते टूट गई है, दूसरे का कुछ हो रहा नहीं है, फिर क्या करना चाहिए आप उन्हें? तो वो अगर अपनी शादी जैसे एक से जोड़ मैं तो क्लियर बात करता हूँ किससे भी मैं समझना था कोई बात, उसके लिए क्या करना चाहिए? आज तुम शादी भी नहीं कर रहे, वो लड़का दहेज के लिए माना रहा नहीं या लड़की पसंद है फिर भी वो बहुत नखरे कर रहा है, उसके लिए भी तुम दे सकते रामबाण उपाय। और ये मोहिनी के भी अंदर यूज़ किया जाता है मरली मातंग, नर मादी रहती है, मैं दिखा दूंगा यहाँ। तो मरली मातंग ऐसी चीज़ है कि आप देख के ही सोचते रह जाएंगे, क्योंकि मरली मातंग दुर्लभ वस्तु है और तुम्हारे जैसा दुकान पे जड़ी बूटी की दुकान पे और पंसारी की दुकान पे ही मिल सकता है वो। और उसमें एक गेहूँ के दाने की जैसे रहते हैं वो दोनों, वही इसकी पहचान बता रहा हूँ, मरली मातंग बोलती है उसको। उसको मोहिनी के अंदर यूज किया जाता है, वशीकरण के अंदर यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके के इस हिसाब से ही यूज किया जाता है। आप तुम यूज जैसे करेंगे वैसा आपका काम बनेगा। एक सौ जोड़ अभी देखो किसकी सगाई टूट रही है, किसकी मंगनी टूट रही है, या कुछ हो रहा है, या प्रेमिका भाग गई, या अपनी घरवाली नाराज है, या अपना घरवाला नाराज है, तो उसको मनाने के लिए ये बहुत भारी चीज़ है। उसमें खाने में खिला दो, आपका परिवार बच जाएगा, आपका संसार अच्छा चलेगा और बहुत सारे तंत्र क्रिया के अंदर ये यूज किया जाता है। तो ये नोट करके लेना, ये मोहिनी वशीकरण के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब मोहिनी के लिए मरली मातंग लेना है, मरली मातंग दो बीज लेना है और चिता भस्म लेना है थोड़ी सी, सफ़ेद महाजाल ये पंसारी की दुकान पर मिलता है, तो दोनों को मिला के उसकी एक गोली तैयार करो, थोड़ा सेट डाल के उसको खिला दो, काय में भी खाने में काय में भी खिला दो, क्योंकि वो वशीभूत हो जाएंगे। जब उसको टाइमिंग लोग मुझे पूछते कितना होता है, जैसे तुम्हें उसको खिलाएंगे वैसा वशीभूत होना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर बहुत बहुत तुम्हारा 7 दिन के अंदर उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। वो टोटका है, लोग मुझे मंत्र ही मांगते हैं, मैं मंत्र देता नहीं क्योंकि गुरु दीक्षा शिवा मंत्र चलता ही नहीं, देख के क्या करूँगा मैं। और एक मेरा चैनल है तांत्रिक तरंग गुरु के अलावा मेरे दो चैनल है संजनाथ अघोरी, काल कपाल महाकाल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे आते जाओ, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी जानकारी देता हूँ, कुछ पोस्ट भी करता रहता हूँ, जिसको मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है आपको, वो आप नोट करके मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम कामाख्या तारापीठ में थे, उसके लिए मैं वीडियो डाला नहीं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और दूसरी एक बात है कि अभी इसके बाद नेक्स्ट में अच्छे अच्छे हीरो आ जाएंगे आपकी बहुत सारे ऐसे, और कुछ पूछना सकते हैं तो मुझे डिसीजन में पूछ सकते हैं कौन सा हीरो होना चाहिए, काय के ऊपर होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं हीरो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। आदेश जय श्री महाकाल।